हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरी रेडियो कहानी पे एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मस्त हाथी। हाथी की कहानी आपने पहले भी सुन चुकी है, आज ये नई कहानी है। इसमें एक हाथी रहता है। वो हाथी दर्जी के पास रोज जाता है, दर्जी उसका दोस्त बन जाता है और वह दर्जी के पास जाता है। दर्जी उसे रोज ढेर सारे केले खाने के लिए देता है। एक दिन दर्जी अपने दुकान पर नहीं होता है और उसका बेटा होता है। तब वह हाथी हमेशा की तरह जाता है उस दर्जी की दुकान पर वहाँ पर वह दर्जी नहीं होता है। वह हाथी सोचता है कि अब मुझे केले मिलेंगे, लेकिन वह दर्जी का बेटा उसे भगा देता है कि जाओ यहाँ से, कोई केले वेले नहीं है। वह हाथी भूखा रहता है और बड़ी आस लेकर आता है, लेकिन वह उसका दर्जी का बेटा उसे कुछ भी नहीं देता है और भगा देता है। वह हाथी सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वह खड़ा ही रहता है। वह सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये मुझे केले नहीं देगा। वह दर्जी का बेटा उसके सूंड में सुई चुबा देता है और उसे बड़ा दर्द होता है। वह हाथी वहां से चला जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये दर्जी तो कितना अच्छा था, रोज मुझे केले देता था, लेकिन यह इसका बेटा, इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। तब वह सोचता है कि इसे भी मैं अभी सबक सिखाता हूँ और वह जाता है और कीचड़ से भरा हुआ जो तालाब रहता है उसके पास जाकर अपने सूंड में वह सारा कीचड़ भर लेता है और उस कीचड़ को उस दर्जी की दुकान पर ले जाकर अपने सूंड से पूरा फव्वारे की तरह उड़ा देता है और उसके दर्जी के जो कपड़े रखे रहते हैं वो सारे कीचड़ में भीग जाते हैं। अब वो बोलता है, अरे अरे, ये तुमने क्या किया, सारे मेरे कपड़े गंदे कर दिए। रुको, अभी मैं तुम्हें केले देता हूँ। फिर वह उसके लिए केले लेकर आता है और फिर वह केले खाकर वहाँ से चला जाता है। फिर दर्जी को समझ जब वो दर्जी आता है तब समझ में आता है कि इसने मेरे बेटे ने इसके साथ, हाथी के साथ ऐसा किया, बर्ताव, उसके सूंड में सुई चुभ होती थी इसलिए हाथी ने सारे कपड़े गंदे कर दिए। तब वह बोलता है कि हमें कभी भी किसी को इस तरीके से भूखा नहीं भेजना चाहिए। उस हाथी को तुम केले दे देते तो वह ऐसा नहीं करता। देखा दोस्तों, जानवर भी कितने समझदार होते हैं और अपने साथ किए गए व्यवहार को समझते हैं। तो इसलिए हमें इंसान होकर सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि सब लोग हमसे अच्छा व्यवहार कर सकें। बदले में जैसे हाथी ने उससे बुरा व्यवहार किया, ऐसे हमसे कोई बदले में बुरा व्यवहार ना करे। इसलिए हमें सबकी सहायता करना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए बच्चों, आप अभी से इस कहानी से सीख लें कि हमें किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना है और जितना हमसे हो सके हमें सामने वाले की मदद करनी चाहिए। तो मज़ेदार कहानियों के साथ आप अच्छी शिक्षा भी लेते रहिए। बाय बाय दोस्तों, ऐसी नई कहानी लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।